सो हेलो गाइस, आज भी एक नई डिजाइन लेके आया हूँ और मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किस तरह से प्रोसेस फॉलो करता हूँ डिजाइन बनाने के, वो दिखाने की। अगर आप इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हो। तो बेसिकली एक कोट मुझे मिला था, एक फ्रेज मिला था मुझे बहुत अच्छा, फोर्ज अ न्यू फ्यूचर बर्न अवे द पास्ट। अच्छा पॉजिटिव लगा था, मुझे लगा था कि अच्छा इसके अराउंड भी कुछ डिजाइन हम बना सकते हैं। तो मैंने रेफरेंस के लिए जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही इस तरह से मैंने कुछ डिजाइन ली है, आप देख सकते हो। और जैसे इस ये एक्चुअली इसका मीनिंग कुछ है नहीं। देखो मैं जब भी ब्लैंक होता हूँ मुझे जो जिंदे फॉन्ट या फिर जो टेक्स्ट यूज किया जाता है किस तरह से किस जगह पे यूज किया जाता है मुझे पसंद आता है किसी किसी का, तो मैं कुछ पर्टिकुलर चीजें उठाता हूँ, पूरा डिजाइन यूज नहीं करता मैं, पर्टिकुलर छोटी छोटी चीज। कभी कभी कलर भी यूज आता है, कभी कभी एक कलर कोई पसंद आता है उसको भी यूज कर लेता हूँ। कोट्स तो यूज नहीं करता एग्जैक्टली, मैं सेम कभी कोट्स यूज नहीं करता, उसके मिलते जुलते आजू बाजू के यूज करता हूँ। जैसे आदमी को देख पा रहे उसका जो जेस्चर है मुझे बहुत अच्छा पसंद आया, तो मुझे लगा कि मैं यूज कर सकता हूँ इसमें। जो विंग्स आपको नजर आ रहे होंगे जिसमें फ्लाइंग विंग्स है और थोड़ा फायर टाइप का फील आ रहा है, तो मुझे लगा कि इस थीम के साथ कुछ यूज करके मैं बना सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया और ऑब्वियसली ये जो जितने भी इमेजेस है मैंने प्रिंटरेस्ट में से ये किया था, डाउनलोड किया था मेरे रेफरेंस के लिए। आप भी इस तरह से कर सकते हो। बट प्रॉब्लम यहाँ ऐसी गई थी कि मैंने कर तो लिया था पर इसके बाद मुझे करना क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सो ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि चलो लेके तो चलना है पर किस तरह से, आई सीरियसली डोंट नो, उस टाइम पे मुझे नहीं आइडिया थी। तो सबसे पहले जब भी मैं इस तरह का कंफ्यूज होता तो मैं सबसे पहला काम करता हूँ आर्ट बोर्ड बनाने का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब टाइम होता मेरे पास इस तरह से नहीं समझ में आ रहा कि मुझे करना क्या, तो मैं इस तरह के जो टेक्स्ट है ऑलरेडी, मुझे टेक्स्ट तो पता था कि काफी बड़ा है कि ये साइड में भी नहीं जा सकता है, एक साथ ले नहीं सकता, काफी अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ हाफ मुझे ऊपर लेना था, हाफ नीचे लेना था, या फिर क्रॉस में डालना था, या लेफ्ट साइड या राइट साइड लेना था। तो इस तरह से मैं एक इमेज बना लेता हूँ कि भाई इमेज अगर मेरे बीच में तो किस तरह से नजर आएगा अगर मैं ये फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, या फिर दोनों फॉन्ट ऊपर ले ले तो इमेज, आप समझ सकते हो कि क्रॉसिंग में रहा तो किस तरह से। तो इस तरह से मैं आइडिया डेवलप हो जाते दिमाग में कि हाँ भाई इस तरह से मैं यूज कर सकता हूँ, थोड़ा अच्छा दिख रहा है ये टेक्स्ट जो इतना बड़ा फ्रेज है उसके साथ। नेक्स्ट स्टेप मेरी रहती थी कि अभी जो इमेज है इमेज कौन सी यूज करना। मैंने रेफरेंस के लिए इमेज तो ले ली थी पर वो इमेज सूट नहीं हो रही थी, पर मुझे वो जो आदमी मैंने आपको दिखाया था कि मेरे को ये बहुत अच्छा लगा था कि ऐसा आदमी और विंग्स टाइप कुछ रहे ऐसा, तो जिसका शक्ल नजर नहीं आ रही है, विंग्स अच्छे से नजर आ रहे जैसे फ्रीडम या फिर भूल गया पास्ट एंड यू नो फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा समथिंग लाइक दैट। अपना अपना फंडा होता है, हंसी भी आती कभी कभी एक्सप्लेन करते वक्त। तो उस तरह से मैंने आर्ट बोर्ड बनाया, अब आइडिया क्लियर हो गए थे। उसके बाद मुझे इमेज क्या क्रिएट करना है वो नहीं पता था, तो मैं थोड़ा दोस्त को बोला भी था भाई दो तीन फोटो ले ले, क्योंकि मुझे जेस्चर पता था एग्जैक्टली करना क्या, क्योंकि मुझे शक्ल तो दिखानी नहीं थी, मैं एडिट कर लेता था, वो ब्लैक हो जाती थी या समथिंग मैं कर लेता था। मैंने शक्ल लिया तो मैंने नीचे कैमरा रखा, नीचे कैमरा लेके फोटो दो तीन खींची, बहुत गंदा दिख रहा खुद को, मुझे आप भी हंस सकते हैं, मुझे भी हंसी आ रही वो फोटो देख के मेरी, वो अपना शक्ल है नहीं फोटो वाली तो अच्छी आती भी नहीं है, तो जाने दीजिए आप भी हंस लीजिए। तो मैंने कोशिश किया, सबसे बड़ा फेलियर था ये, घटिया है, पर मैं एक दिन करूंगा ऐसा कि आपको भी लगता है खुद की इमेज आपकी टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करना है, पर बेटर वे क्या हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत गंदा था मेरा और जाने दीजिए फेल हो गया, पर बाकी चीजें ठीक थी। मुझे ये एक्चुअली आप देख सकते हैं, इसको इग्नोर कर दीजिए, आप इसको बाजू कर देता हूँ, डिलीट ही कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो फॉन्ट के साथ मैंने यूज किया ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने इस तरह का फॉन्ट यूज किया, लार्जर एक फॉन्ट यूज किया, एक छोटा यूज किया है, और जो कैरेक्टर है कैरेक्टर के बीच में मैंने गैप बढ़ा दिया। आप ये नजर आ रहा होगा आपको कैरेक्टर है ना, इसके बीच में गैप बढ़ा दिया, ठीक है। आप भी ये खेल सकते हैं, कैरेक्टर टूल होता है हर एक इसमें होता है, उसमें आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, हर एक कैरेक्टर के बीच में की जो स्पेसिंग होती है आप बढ़ा सकते हैं। तो मैंने वही चीज किया और दो तीन फॉन्ट चेंज करके देखे मैंने, तो मुझे ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा बाद में, और मुझे लगा कि हाँ कुछ कर सकते हैं इसके साथ। तो मेरा एटलीस्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, पर अभी भी इमेज जो कैरेक्टर बिल्डअप करना था उसका प्रॉब्लम मेरा सॉल्व नहीं हुआ था। तो मोटा मोटा मुझे करना क्या था इसके बाद, तो मैंने बोला चलो एक आइडिया दिमाग में कैरेक्टर है कि इस तरह का कैरेक्टर मुझे बनाना है, तो मैंने मोटा मोटा क्या किया कि वही कैरेक्टर को चैट जीपीटी पे यूज किया कि भाई ऐसा ऐसा दिखता है, शक्ल नहीं नजर आ रही है, थोड़ा जेब में हाथ डाल के खड़ा है, दोनों पॉकेट में उसके हाथ है, और ये प्रॉम्प्ट जो मैंने यूज किया मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हो, आप उसको यूज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आप मैंने वैसा कैरेक्टर यूज किया, फिर मुझे फाइनली वो कैरेक्टर एक डेवलप हुआ मुझे नजर आया, मैंने कम से कम 20-30 उसकी इमेजेस बनाई होंगी, ज्यादा ही बनाई होंगी, और जो मुझे पसंद है उसमें से मैंने वो पिक किया, आपको दिखा देता हूँ। तो ये कैरेक्टर्स थे इस तरह से। तो फाइनली मुझे क्या करना था, मैंने यहाँ तो मेरा जो स्टाइल था फॉन्ट और स्पेसिंग का वो तो मैंने जमा दिया था, इसके बाद मैंने कैरेक्टर पुटअप किया, आप देख सकते हो। तो इस तरह का मैंने कैरेक्टर पुटअप किया इसमें कि हाँ ये कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, इसके साथ मैं जा सकता हूँ। कैरेक्टर काफी सारे थे, मैंने सिलेक्टिव यहाँ लिए, मैं वो भी क्लियर कर दूँ। इसका भी पोस्चर काफी अच्छा था, तो ये भी मुझे अच्छा लगा कि हाँ इसको भी यूज कर सकता, अच्छा लग रहा था। और उसके बाद बैक प्रिंट के लिए, तो फ्रंट के लिए था मैं सोच रहा था, क्योंकि फ्रंट पे भी मुझे बड़ी प्रिंट चाहिए थी और बैक में भी बड़ी चाहिए थी, और बैक में विंग्स काफी अच्छे
लगते हैं। अगर जिसकी बॉडी पर्सनैलिटी शोल्डर ब्रॉड हो, ऐसा ऐसा होगा तो नहीं होगा, पर अच्छा थोड़ा शोल्डर बिल्डर थोड़ा हो अच्छा, हमारे जैसे को उतना सूट नहीं होगा। तो बैक साइड में अगर उनका शोल्डर थोड़ा अच्छा है, अगर प्रिंट छोटी करते हो, अगर मेरे जैसा बांधा आपका ज्यादा चौड़ा नहीं है तो प्रिंट आप थोड़ी छोटी कर सकते हो, ज्यादा बड़ी प्रिंट अच्छी नहीं लगेगी। तो ये अच्छा लगा मुझे कि बैक के ऊपर जा सकता है। तो इसका ऑब्वियसली इसका सेकंड जो उसके बाद की जो स्टेप होती है मेरी, वो होती है मॉकअप्स। बना तो लिया, अब कलर्स कौन से यूज करना है, उसके बाद सही लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मॉकअप्स तो नहीं, मैं पहले कलर्स के साथ खेलना मेरे चालू, कैरेक्टर बिल्डअप हो गया, फॉन्ट टेक्स्ट की पोजीशन फिक्स होगी, और उसके बाद मुझे क्या करना था कि कलर सिलेक्शन करना था कि कौन सा अच्छा जाएगा। और मैं बहुत कम कलर के साथ खेलता हूँ, मेरे फेवरेट है लेमन येलो, आपको पता है कि मिलिट्री ग्रीन कलर, ब्लैक, डार्क ग्रे, और अच्छे भी लगते हैं, बिकते भी काफी। रेड कलर हो गया, स्कारलेट रेड, उसमें अभी टेक्निकल वो अलग से नाम लेने जाओ तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ये दो कैरेक्टर मेरी फाइनल, सॉरी ये डिजाइन दो मेरी फाइनली प्रिपेयर हो गई, मुझे अच्छी लग रही थी। यहाँ से एक चीज ऐड किया है मैंने, आप देख सकते हैं कि ये जो पास्ट वाला पोर्शन है उसको मैंने थोड़ा ब्लरिश टाइप का बना दिया, थोड़ा डस्टी टाइप का, कि वो मिट रहा है, समथिंग लाइक दैट। ज्यादा इधर इतना सोचने की जरूरत नहीं, कभी अच्छा लगता है तो डाल दो, ज्यादा डिजाइन बनाते हो सोचने का नहीं, क्योंकि हर एक को डिजाइन हर एक की पसंद नहीं आती है। बहुत लोगों को ये डिजाइन नहीं पसंद आएंगे, आई नो दैट, बहुत लोगों को पसंद भी आएंगे, कोई कोई न्यूट्रल भी रहेगा, इट्स ओके। उसके बाद ये बनाने के बाद मैंने सबसे पहले ट्राई करते हैं मॉकअप्स के ऊपर। तो मैंने दो फ्रंट पे जो इमेज थी वो भी बनाने की डाल के मॉकअप चेक किया, मैंने बैक का भी चेक किया। डार्क के ऊपर ही मुझे करना था, लाइट के ऊपर मुझे जाना नहीं था। तो क्योंकि मतलब उसके लिए फिर वो भी कर सकते थे, क्योंकि मुझे फॉन्ट का सिर्फ चेंज ही करना है, व्हाइट की जगह ब्लैक करना है, डार्क ग्रे करना है, वही चीज के साथ करके मैं फिर से बना सकता। लास्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था तो मुझे ज्यादा टाइम उतना वेस्ट नहीं करना था इस बार। तो आप भी देख सकते हैं कि फ्रंट पे फ्रंट साइड में इस तरह से नजर आ रही है, और बैक साइड में इस तरह से विंग्स उसका नजर आ रही है। शोल्डर बिल्डर किसी का अच्छा ना, जिम वाला बंदा होना, ये डिजाइन बहुत सही लगेगी उस पर। तो ये हो गई डार्क ग्रे कलर पे, ब्लैक नहीं है, डार्क ग्रे कलर है। और ये हो गया मिलिट्री ग्रीन, मेरा फेवरेट कलर। और ये पॉलिस्टर जैसी टी शर्ट है, थोड़ी पॉलिस्टर कॉटन नहीं है, पॉलिस्टर टाइप की जो होती है ना टी शर्ट, स्पोर्ट्स वेयर टाइप की, उस टाइप की टी शर्ट है। टेक्स्चर जानबूझ के मैंने वैसे दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप कि ये डिजाइन इस तरह से नजर आ रही है फ्रंट में। अगर आप इस तरह की टी शर्ट पहनते हो तो, सॉरी गाड़ी वाला था, तो बैक साइड में इस तरह से आपको नजर आती है। होप सो आपको भी ये पसंद आएंगे। और इसके बारे में मैंने थंबनेल भी बनाया जो यूट्यूब पे आपको नजर आएगा। और एक डिजाइन थी ये, आप देख सकते हो, इसको भी मैं दिखा दूंगा आपको। तो इस तरह से मैंने यूज किया आज के इसमें, और ये मेरी कम्प्लीटली प्रोसेस थी आज जो मैंने डिजाइन बनाई है टी शर्ट के लिए। आपको होप सो की डिजाइन अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छी लगेंगी तो प्लीज लाइक कीजिए। कुछ सवाल होंगे मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो गिवन नंबर है या जीमेल आईडी है उस पे कुछ भी क्वेरीज होंगी, इंक्वायरी होंगी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।